चले जी, बारिश भी शुरू शुरू हो गई है, बिजली भी चली गई है रात। तो लेट्स सी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। हाँ जी, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। आवाज आ रही है मेरी? जी जाइए मैदर, आ जाइए। रही है आवाज? ओके, इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज? ओके, डिस्कस द ग्रिड। ग्रिड यूज होता है, ग्रिड वुड बी बिट इंटरेस्टिंग सम। अच्छा, पॉसिबल फ्लूड ग्रिड। तो फॉर एग्जांपल, जी सॉरी, फिर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। You can see this part will occupy 12 columns on a small screen, 4 on medium and 3 on large screen. आप इस येलो वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे ये तीन कॉलम कवर कर रहा है। जैसे अब थोड़ा छोटा करेंगे तो ये अब चार कॉलम कवर कर रहा है। और इन स्मॉल स्क्रीन इट इज कवरिंग द होल विड्थ ऑफ द स्क्रीन। तो ये काम किया जा सकता है। इसमें क्लासेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर रिक्वायर्ड टू यूज W3Row। इट इज कंटेनर फॉर रिस्पॉन्सिव क्लासेस विद नो पैडिंग, और यू कैन यूज W3Row पैडिंग, जिसमें 8 पिक्सल की लेफ्ट राइट पैडिंग है। एंड देन यू कैन यूज W3Column। इट डिफाइंस अ वन कॉलम इन 12 कॉलम रिस्पॉन्स ग्रिड। तो देन कॉलम फॉर स्मॉल स्क्रीन, S1 अगर आप क्लास यूज करेंगे तो इट विल डिफाइन वन ऑफ 12 कॉलम्स, यानी कि 8.33%। S2 यूज करेंगे तो दो कॉलम, 3 यूज करेंगे 3 कॉलम्स बाई विड्थ होगी, विच विल बी 25% ऑफ द विड्थ।
एस फोर यूज करेंगे तो इट विल बी 33% ऑफ द विड्थ एंड सिमिलरली इट विल बी फॉर अदर्स. देन यू कैन यूज दिस, दीज कॉलम्स कैन बी यूज फॉर स्मॉल स्क्रीन्स, टिपिकली फॉर स्मार्टफोन्स. अगर आपने मीडियम स्क्रीन यूज करनी है तो यू मे लाइक टू यूज दीज क्लासेस M1, M2, M3. और अगर लार्ज स्क्रीन यूज करनी है तो L1, L2, L3 ये यूज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर, वी आर इनक्लोजिंग टू कॉलम्स विद इन अ W3 रो. उसके अंदर फिर हमने दो डिव बनाए हैं. लेफ्ट अपर डिव इज रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट कॉलम एंड लोअर डिव इज रिप्रेजेंटिंग द राइट कॉलम. वी कैन ऑल्सो क्रिएट अनइक्वल कॉलम्स एज वेल. एक कॉलम को S3 ले लिया और एक कॉलम को S2 ले लिया, S9 ले लिया, तो एक की 1/3 हो गई है और एक की 2/3 विड्थ हो गई है. सो दिस हाउ वी कैन यूज अ ग्रिड. अच्छा, इसके बाद ट्रेंड्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, ये थोड़ा देख लेते हैं जस्ट टू गिव यू द आइडिया के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं. ट्रेंड्स, एवरी ईयर यू विल सी न्यू वेब टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स. ठीक हो गया जी. एंड ऑन दिस पेज वी विल ब्रिंग यू सम ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट वेब डिजाइन ट्रेंड्स. द फर्स्ट काइंड इज कॉल्ड फ्लैट डिजाइन. फ्लैट डिजाइन ट्रेंड स्टार्टेड विद विंडोज फोन 7 एंड विंडोज 8 इन 2010. ये इस किस्म का जो आपको डिजाइन नजर आया था, दैट इज कॉल्ड फ्लैट स्क्रीन डिजाइन. देन इट वॉज फॉलोड बाई एप्पल विद iOS 7 इन 2013. तो ये एक डिजाइन आया था. एंड फ्लैट डिजाइन ऑफन यूजेस कलर्स, वी नो फ्रॉम मार्केटिंग, रोड डिजाइन एंड स्टिकी नोट्स. तो इस किस्म के अगर कलर यूज हो रहे हैं तो दोज विल बी कॉल्ड द फ्लैट डिजाइन. अगर इसका हम इस तरह के कलर्स अगर आप ऑफन यूज करेंगे तो दीज कम अंडर फ्लैट स्क्रीन डिजाइन. अच्छा जी, देन इज ऑलमोस्ट फ्लैट डिजाइन. यू मे कॉल इट वर्जन 2 ऑफ फ्लैट डिजाइन. ऑलमोस्ट फ्लैट डिजाइन इज न्यूअर. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्लैट में? वन बिग प्रॉब्लम विद द फ्लैट डिजाइन इज टू अंडरस्टैंड विच एरिया इज क्लिकेबल. अब पता नहीं है, ऊपर लेके जाएंगे माउस तो पता चलेगा क्लिकेबल कौन सा एरिया है, क्लिकेबल कौन सा एरिया नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड क्लिकेबल बटन. अच्छा, इसके बाद फिर ऑलमोस्ट फ्लैट डिजाइन आ गया. अब इसमें देखिए होवरिंग इफेक्ट्स डाल दिए हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा जी कौन सा एरिया क्लिकेबल है कौन सा नहीं है. ऑलमोस्ट फ्लैट इज अ न्यूअर अल्टरनेटिव ऑफ ओरिजिनल फ्लैट डिजाइन एंड ऑलमोस्ट फ्लैट रिक्वायर्स मोर डेप्थ, ब्राइटर कलर, कॉम्प्लेक्स शेडोज, डायमेंशंस एक्सेट्रा. और ये इसमें देखें शेडोज, बार में शेडो सा डला हुआ है और भी होवरिंग इफेक्ट्स वगैरह हैं और बड़े ब्राइट से कलर्स हैं. ओरिजिनल स्क्रीन इतनी डल है लेकिन जैसे ही आप शेडो इफेक्ट डालते हैं तो होवरिंग डालते हैं तो ब्राइट हो जाता है कलर. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द ट्रेंड. देन कम्स अनदर स्टाइल दैट इज कॉल्ड मटेरियल डिजाइन. सिंस वी माइट हैव रीच्ड पीक ऑफ फ्लैट डिजाइन विद ऑलमोस्ट फ्लैट, मैनी डिजाइनर्स आर expected to go for material design and this was designed by Google in 2014. तो गूगल ने, आप देखिए इसमें शेडो से ऐसे लग रहा है ओरिजिनल वाकई कोई चीज़ पड़ी हुई है, शेडोज इस तरह के हैं इसके, जैसे ऊपर से लाइट पड़ रही है उनके ऊपर, तो थोड़े से मॉडर्न किस्म के शेडोज हैं.
Material design uses elements that remind us of paper ink. In addition, the elements have realistic shadows and hovering effects. So, ये डिफरेंट जो आपको इनमें जो टेम्पलेट्स हैं इनमें ये वाला स्टाइल यूज किया गया है. देन कार्ड्स इज अगेन अ मॉडर्न ट्रेंड. मोस्ट टिपिकल कार्ड्स आर रेक्टेंगल्स विद इमेजेस एंड सम टेक्स्ट. कार्ड्स हैव बिकम अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर organizing headlines, images, text on equal plane. Cards can be small or large, with or without pictures, or with or without shadows. So, इस किस्म के cards display करना websites में again it is a modern trend. Then there is a trend of creating cleaner logos. Cleaner logos, logo is a result of popularity of flat design. जैसे Google के designs आए हैं तो logos इस किस्म के trends हैं आजकल. Then there is another trend, it is called minimalism. It is easy to read, easy to understand, easy to design. बिल्कुल वेबसाइट है, ब्लैक पे ऊपर एक सिंपल लिखा हुआ और कस्टमर्स, फिर लिंक्स हैं, फिर आ गया इम्पोर्टेंट स्लोगन, वी विल ऐड रियल वैल्यू टू आवर क्लाइंट्स बिजनेस, वी नो हाउ टू मेक आवर क्लाइंट हैप्पियर. मिनिमलिज्म कैन गो हैंड इन हैंड विद ऑलमोस्ट फ्लैट डिजाइन. तो इनको आप मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम आप टेक्स्ट डालेंगे जो बड़ा इंप्रेसिव किस्म का हो सकता है. देन फॉन्ट्स में भी कुछ ट्रेंड्स हैं. अबाउट रीडेबल टाइपोग्राफी, द नेचुरल टाइपोग्राफी ऑफ फ्लैट डिजाइन इज सिंपल एंड इजी टू रीड. लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग्स आर टिपिकली लार्जर एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट इंक्रीज फॉन्ट साइज in order to focus more on reader's attention. तो ये serif design है जो कि Times Roman type जो font होता है, that is called serif font type. And sans serif font type है, जैसे ये Arial है, Arial वगैरह, these are called category of sans serif fonts. और typography अगर use करेंगे तो इसमें देखें, इसमें spacing ज़्यादा है टेक्स्ट के दरमियान में, खुला खुला लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा टेंजिबल है. एंड रीडेबिलिटी इज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ फ्लैट टाइपोग्राफी. अच्छा, इसके बाद एक और जो ट्रेंड है दैट इज फुल स्क्रीन इनपुट. जब इनपुट लेते हैं यूजर से, जनरली अब ट्रेंड ये है कि आप पूरी विड्थ पे आप इनपुट को, चाहे नाम थोड़ा सा लिखना है आपने, आई एम राइटिंग अ लिटल नेम, बट इनपुट के लिए आप फुल विड्थ इनपुट यूज करते हैं. दिस इज अ मॉडर्न ट्रेंड. और इनपुट तो इसमें कहाँ गए, बटन क्यों नजर नहीं आ रहा इसमें. अच्छा, ये को लिंक गलत लगा दिया लोगों ने. देन मोबाइल फर्स्ट, अगेन इट इज इंटरेस्टिंग. हिस्टोरिकली मोबाइल डिजाइनर्स हैव डेवलप्ड
web applications for computer first and then added responsive web design to make sure the web looks good when viewed on tablet or a phone. तो ये तो चलें हो गया, ठीक है. अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, आप ये देखें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वेब पेज को. हिस्टोरिकली दिस ट्रेंड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स डिजाइनिंग अ मोबाइल फर्स्ट एंड देन एड रिस्पॉन्सिव डिजाइन टू मेक साइट वर्क ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप. नाउ 50-50 इज एन ईजी वे टू अचीव वेब डिजाइन. For responsive web with 50-50 design, the screen can show two pages on large screen and one page on narrow screen. तो ये देखें कि दो parts में vertically. अब अगर इसको मैं show करूँ आपको, ये दो screens आ रही हैं. ये हो गया desktop के लिए, और अगर mobile पे खोलेंगे तो आपको वो जो दो 50-50 है वो सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे, वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे. तो इट इज़ अगेन अ मॉडर्न ट्रेंड जो कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए, इसको डिज़ाइन करना भी आसान है, सिर्फ आपने दो उसमें स्टेप्स डाले हैं. देन लार्ज हीरो इमेज. हीरो इमेज इज अ टर्म यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेब बैनर. जैसे एक बहुत बड़ी इमेज है, बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है छोटा सा सेलिंग. हीरो इमेज इज अ लार्ज इमेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ पेज. इट ऑफन कंसिस्ट ऑफ बोथ एन इमेज एंड सम टेक्स्ट एंड इट कैन बी स्टैटिक और रोटेटिंग लिस्ट ऑफ इमेजेस. द पर्पज ऑफ हीरो इमेज इज टू प्रेजेंट द वेबसाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट. तो ये एक स्टाइल है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल पेज. इट इज अगेन अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट. वेब डिजाइन ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर क्लिकिंग टू वर्टिकल स्क्रॉलिंग. जैसे हम टैब्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मोबाइल पे ज्यादा वेबसाइट खोलनी होती है, तो वो डिफरेंट उसके क्लिकेबल पेजेस बनाने के बजाय सिंगल पेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, ताकि मोबाइल पे आसानी के साथ स्क्रॉलिंग की जा सके. स्क्रॉलिंग अलाउज यूजर्स टू सी ऑल द वेब कंटेंट ऑन अ वन पेज. फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, तो आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी इसके सेक्शन है ऊपर नीचे वर्टिकली अलाइन हुए हुए हैं. मोबाइल में इसको स्क्रॉल करना आसान होता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडर्न स्टाइल. द सिंगल पेज टेक्निक has been used by social networks a long time until somebody discovered that it suits other pages as well. So ye social media mein to hota hi hai, wahi se trend websites mein bhi aa gaya. So this is important ke aapko thoda sa idea ho modern trends ka. That's why I have covered it. इसके बाद फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि जी आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करें. तो एक का भी एग्जांपल मैंने कल आपको दी थी. लेट्स सी अनदर स्मॉल केस स्टडी. द टाइटल इज बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच. Building a responsive website. I hope I am audible. कोई आपने? Yes sir. क्यों नहीं? Yes sir. अच्छा ठीक है. तो ये अगर आपको scratch से कहा जाता है, for example assignment दी जाती है जिस scratch से website build करें, जैसे assignment पहले भी दी थी, but now if you are told to create a responsive website from a scratch, तो this chapter is providing some guideline. तो इस guideline को थोड़ा सा देख लेते हैं. In this chapter, we will build W3SS responsive website from scratch. First, start with the simple HTML page with initial viewport and link to W3CSS. तो ये एक सिंपल सा पेज बनाया हमने. ये हम
ये बॉडी है, बाकी ये तो आपको पता है कि बाई डिफॉल्ट ये चीज़ें डाल जाती हैं। डब्ल्यू थ्री सी एस एस का लिंक डालना होगा आपने, बाकी चीज़ें बाई डिफॉल्ट डब्ल्यू बी एस कोड में डल जाती हैं। ये पूरा कोड डल जाता है बी एस कोड में, देन यू हैव टू लिंक डब्ल्यू थ्री सी एस एस। ये लिंक हो गया, उसके बाद आपकी बॉडी शुरू हो गई। बॉडी में आपने कुछ डाल दिया, हेडिंग डाल दी, एक दो पैरा चार पैराग्राफ डाल दिए, एंड दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल इसको हम खोल के देखते हैं, तो ये कुछ हमने सिंपल एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया। देन इन सेकेंड स्टेप पुट एलिमेंट्स इन कंटेनर्स, क्योंकि डब्ल्यू थ्री में कंटेनर का कॉन्सेप्ट है, तो कंटेनर कॉन्सेप्ट आप डाल दें। तो हमने क्या किया कि ये फॉर एग्जाम्पल एक हेडिंग और पी को एक ही हमने अलग सेक्शन ऊपर बनाया, इसको हमने एक कंटेनर में डाल दिया, डब्ल्यू थ्री कंटेनर क्लास में डाल दिया। फिर नीचे वाला कंटेंट का एक ग्रुप बनाया, उसको एक कंटेनर में डाल दिया। अब कंटेनर में डालेंगे तो हाउ वुड इट लुक लाइक, तकरीबन आप ये देखें कि स्पेसिंग मार्जिन वगैरह सारे इसके सिमिलर हो गए हैं कंटेनर्स में डालने की वजह से। एक कंटेनर ये इन दो हेडिंग्स का है और दूसरा कंटेनर इनका है, तो कंटेनर्स में डाला हमने। तो कंटेनर समझ लें कि एक फाउंडेशन है, जी स्क्रीन शेयर हो रही है, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग कलर क्लासेस। तो फॉर एग्जांपल हमने कलर के साथ इसका बैकग्राउंड डाल दिया, डब्ल्यू थ्री लाइट ग्रे डाल दिया फॉर एग्जांपल। तो अब ये आपको बड़ा अच्छा सा एक हेडर बना हुआ, एक ग्रे सा हेडर एक बन गया, ग्रे ग्रे हेडर बन गया। हमने लाइट ग्रे हेडर डाला था, हम बड़े शॉकिंग कलर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, तो ब्राइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन है कि अब थोड़ा सा इसका अपने हेडर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट करना शुरू कर दिया हमने। देन साइज क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। साइज क्लासेस डिफाइन द टेक्स्ट साइज ऑफ एलिमेंट। The example adds a size to both header elements. तो हमने क्या किया कि एच वन को हमने जम्बू साइज कर दिया जम्बू साइज क्लास के साथ, और P को हमने डब्ल्यू थ्री एक्स्ट्रा लार्ज साइज दे दिया। तो हेडिंग थोड़ी सी फाइन ट्यून की हमने, हेडर की, ये हेडर की हेडिंग फाइन ट्यून की, तो इस तरह इसका कोई साइज को हमने एडजस्ट कर दिया। देन वी शुड यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स। If you like to follow HTML semantics recommendations, please do. जैसे हमने कहा था जी headers use करें, footers use करें, span use करें, quotation use करें, जो जो tag जिस purpose के लिए बनाए गए हों उस purpose के लिए उन tags को use करें। तो so for example if we see here, then हमने एक footer HTML tag use किया है, फिर हमने एक हेडर टैग यूज़ किया हेडर बनाने के लिए, ये नीचे फुटर आ रहा है, फिर उनको हमने कंटेनर डिक्लेयर किया, कलर्स वगैरह डाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उतना वेब इंजन को सर्च करना आसान होता है, तो देख लेता है जी हेडर्स में क्या डाला हुआ है, फुटर में क्या डाला हुआ है, इस तरह करके सर्चिंग आसान हो जाती है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू मेक इट मल्टी कॉलम रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब ऑब्वियसली आप अगर आपको कहा जाता है जी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट। जैसे एक मैंने आपको मॉडर्न स्टाइल बताया 50-50 कि जी डेस्कटॉप पे वो दो हाफ में नजर आएगा और वही हाफ मोबाइल पे ऊपर नीचे वर्टिकल अलाइन हो जाएंगे, दैट कुड बी वन स्टाइल। तो मल्टी कॉलम अगर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं,
With W3 CSS, it is easy to create multi-column responsive layout. The column will rearrange themselves automatically when viewed on different screen sizes. इसके अंदर आपने वो जरूरत नहीं है, आपको मीडिया क्यूरीज यूज करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मीडिया क्यूरीज कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है अगर W3 CSS यूज कर रहे हैं आप तो। रूल्स कौन से फॉलो करने हैं आपने, सम ग्रिड रूल्स। स्टार्ट विद अ रो क्लास, फॉर एग्जांपल डिव क्लास W3 रो पैडिंग। तो रो क्लास यूज करें, उसके अंदर इंक्लोज करें या चाइल्ड बनाएं, सारे जो जितने भी सेक्शंस हैं टॉप रूट लेवल पे रखें रो क्लास, उस रो के अंदर फिर बाकी कॉलम्स क्रिएट करें। तो पहला तो काम ये करना है आपने, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक टॉप लेवल रो पैडिंग क्लास है, रो पैडिंग बना लें या रो क्लास बना लें, उसके अंदर फिर आपने ये तीन डिव बनाए हैं, एक ये कंटेंट का डिव है, एक ये डिव है, दूसरा नंबर टू डिव है और नंबर थ्री डिव है। और इनकी क्लासेस देखें आप, क्योंकि हमने तीन क्लासेस बना रहे हैं तो हमने इसको W3 थर्ड कर दिया, तो ये 1/3 विड्थ का कॉलम बन जाएगा, दूसरा भी 1/3 विड्थ है, तीसरा भी 1/3 विड्थ है, तो इट विल मेक 100%, इट विल कवर 100% विड्थ ऑफ द डिजाइन। तो कॉलम जब भी बनाने आप, दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच। ये तीन कॉलम है, इसको रो के अंदर इंक्लोज किया तीनों कॉलम्स को। अगर नीचे कॉलम खत्म करने हैं तो फिर आप नीचे फुटर फॉर एग्जांपल डालना है, आपने फुटर ऑलरेडी डला हुआ है इसके अंदर, ये फुटर डला हुआ है, तो ये पूरी रो है, ये पूरी रो है, एक हेडर रो से ऊपर है और एक फुटर रो से नीचे है, फुटर भी पूरा विड्थ कवर कर रहा है, हेडर भी पूरी विड्थ कवर कर रहा है, जबकि कॉलम्स हैं वो 1/3 विड्थ कवर कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इजी टू क्रिएट मल्टी कॉलम वेबसाइट। ये देखें अभी मैं छोटा केस है, 600 से नीचे है जब जाएगी इसकी विड्थ, 600 पिक्सल से नीचे जाएगी विड्थ इसकी, ये देखें 608 है विड्थ, मैं अब कम कर रहा हूँ, ये जैसे ही मैं गया हूँ 600 पे तो ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल प्लेस हो जाएंगे। सो दिस हाउ यू कैन इजीली क्रिएट मल्टी कॉलम वेबसाइट। और कॉलम विड्थ अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट कॉलम है, मैंने इसको जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने 1/4 किया है, मिडिल कॉलम को हाफ किया है और जो थर्ड कॉलम है उसको मैंने क्वार्टर कर दिया है, क्वार्टर विड्थ कर दिया है। तो अब देखें कि इसको मैं खोलूँ तो ये इस कॉलम की विड्थ डिफरेंट है, मिडिल वाले की ज़्यादा है, राइट वाले की डिफरेंट है, सो विड्थ कैन ऑल्सो भी अपनी मर्जी की विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेविगेशन बार यूज करें आप पेज के टॉप पे, तो ये नेविगेशन का एक HTML टैग यूज कर रहे हैं हम, और इसमें क्लास यूज कर रहे हैं W3 बार। बार आपको मैंने बताया था कि ये डिफरेंट मेन्यू वगैरह बटन्स वगैरह इंक्लोज करते हैं बार के अंदर, तो ये टॉप लेवल एक क्लास है बार की, और बार के अंदर हमने बटन्स डाले हैं W3 बार आइटम। तो देर आर 4 बार आइटम्स एंड बार आइटम्स आर ऑफ टाइप बटन, और अगर लिंक कोई डालना है, हाइपर लिंक डालना है, तो हम यहाँ पर डालेंगे। सो वेरी ईजी टू क्रिएट अ नेविगेशन बार। अब ये देखें नेविगेशन बार ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया, डिफ़ॉल्ट इसका जो नेविगेशन बार W3 बार है, ये हमने W3 ब्लैक कर दिया है इसको, तो ये होवरिंग इफेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। बार बन गई है, इसमें बटन बन गए हैं, आगे आपने हाइपरलिंक जो भी डालेंगे यहाँ पे वो हाइपरलिंक प्लेस हो जाएंगे। तो हमने रो से पहले इसको डाल दिया है, तकरीबन इसी जगह पर होने चाहिए आपके नेविगेशन बार, हियर यू कैन प्लेस अ नेविगेशन बार। अच्छा जी, इसके बाद साइड नेविगेशन बना सकते हैं, एंड यू हैव वेरियस सेवरल ऑप्शंस।
एक हो सकती है ऑलवेज डिस्प्ले द नेविगेशन पैन टू द लेफ्ट, और यू कैन क्रिएट अ कोलैप्सिबल फुली ऑटोमेटिक नेविगेशन बार बना सकते हैं, ओपन नेविगेशन पैन, मल्टीपल ऑप्शन है ये। अगर आप साइड बार पे जाएंगे तो साइड बार पे आपको सारे ऑप्शंस की एग्जांपल मिलेंगी। साइड बार अगर खोलेंगे तो लेट मी शो, हमने इसको जावास्क्रिप्ट भी इस पे यूज़ कर रहे हैं उनको क्लोज और ओपन करने के लिए, क्लिक क्लिक करने पे ना, तो इसको हम देखते हैं। ये देखें ऊपर, ये कोलैप्सिबल बार की एग्जांपल है ये, और ये जनरली मोबाइल के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें। क्लिक करेंगे तो ये लिंक्स खुल जाएंगे, लिंक के अंदर ऑलरेडी तीन लिंक हैं। ऐसे बंद करना है तो हम ये क्रॉस का बटन दबाएंगे, तो ये एक क्लिक पे ये खुलना और क्रॉस करना, ये इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी है। एक है W3 ओपन और W3 क्लोज, दोनों हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिए हैं। तो एक फंक्शन का नाम है W3 ओपन और दूसरे का W3 क्लोज। अब इसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम, ये हम ये आपको नजर आ रहा है हेडर के अंदर, ये हेडर के अंदर हमने ऑन क्लिक W3 ओपन किया हुआ और W3 क्लोज। और W3 क्लोज हमारा यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को अभी जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे उसको देख लेंगे। बहरहाल विद अ लिटिल कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। ओके, सो दिस फिनिशेस विद केस स्टडी दैट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच। सो इट एंड्स विद द ओवरव्यू ऑफ W3CSS। बाकी बेतहाशा एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं इसमें, मतलब whatever you can imagine you can do. Simply if I can conclude W3CSS कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें। अगर आप examples को देखेंगे तो आपको पूरी examples दी हुई हैं लंबी चौड़ी ले जी। आपने flag display करना है तो क्या करेंगे, वो आपको code मिल गया यहाँ पे। आपने buttons colored button बनाने हैं, hovering colors button color बनाने हैं तो क्या करेंगे, ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है, ये साथ कोड है। सो यू कैन मतलब डू एनीथिंग यू लाइक। ओके, सो इट एंड्स टुडेज लेक्चर एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट। एनी क्वेश्चंस क्वेरी फ्रॉम द क्लास।